अनेक जन्मों के कर्म संस्कारों को मिला करके वो पिता बनेगा, वो पुत्र बनेगा, वो पत्नी बनेगा। अब पुण्य है तो पत्नी ऐसे स्वभाव में होगी, ऐसे आचरणों में होगी कि देख देख कर तुम्हें सुख होगा, और अगर पाप है तो उसी के द्वारा ऐसे आचरण होंगे, ऐसा स्वभाव होगा कि जलोगे। पुत्र आएगा ऐसा पुण्यात्मा, अगर पुण्य तो वो ऐसा आचरण करेगा, ऐसा पढ़ लिख कर स्वस्थ, ऐसा आपको देख देख कर आनंद होगा पूरे परिवार को, नहीं ऐसा रोगी होगा, ऐसा क्लेश देने वाला, रुपया पैसा भी खर्चा है, हृदय भी दुखी हो रहा, पूरा परिवार दुखी हो रहा है। ये कर्म संयोग है मार की, बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसमें बस ही नहीं है महाराज जी, कौन सी पत्नी आनी है, बच्चा आना है, क्या तो कहीं बस लगता ही नहीं है अपना। कर्म के अनुसार ही है ना, कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम, वैसे रूप रख के भगवान आएंगे। अरे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, पूरा परिवार जेल में बंद हो जाता है, ऐसे आचरण हुए, ऐसा ऐसा ऐसी लीला, और ऐसी ऐसी बहुएं आती हैं कि परिवार की बहुत नीची स्थिति है, और उतने में ही आनंद है, पूरा परिवार आनंद। तो कर्म के अनुसार है ना, पूर्व के कर्मों के अनुसार वो जीव आकर पत्नी बना और वो महान दुख देता है या सुख देता है, पुत्र बना वो दुख देता है या सुख देता है, कर्म के अनुसार ही सारा खेल होता है। यहाँ जितना जो कुछ हो रहा है कर्म, शुभ और अशुभ दो कर्मों का खेल हो रहा है, पाप और पुण्य, और इस खेल से जिसको निकलना है तो शुभ अशुभ से परे भगवान का भजन कर ले तो निकल जाएगा, अगर भजन नहीं है तो शुभ अशुभ आसे रहेगा, वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। ऐसे मित्र मिल जाते हैं, ऐसे पशु मिल जाते हैं, हर चीज कर्म से जुड़ा हुआ है। अब हम नवीन कर्म ऐसा कर ले कि हमारी पुराना सब भस्म हो जाए, तो वो है भजन, वो है परोपकार, वो है भगवान की आराधना, नहीं तो